नमस्कार, मैं हूं नव्या। आइए जानते हैं क्या नया हो रहा है खेल जगत में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आखिरकार अपने टेस्ट शतक के सूखे को खत्म करके हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट मैच में अपना 28 शतक लगाया। इससे पहले कोहली ने आखिरी बार टेस्ट फॉर्मेट में शतक साल 2019 के नवम्बर महीने में आखिरी बार लगाया था। इस शतकीय पारी के साथ ही विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। एक देश के खिलाफ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर काबिज है, जिन्होंने अपने करियर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 शतक की पारियां खेली थी। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन का नाम शुमार है, जिन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 19 शतक की पारियां इंग्लैंड के खिलाफ खेलने में कामयाब हुए थे। वहीं इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर फिर से सचिन तेंदुलकर का नाम है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 17 बार शतक की पारी खेलने में कामयाब हुए थे। विराट कोहली अब इस लिस्ट में चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं, जो अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 शतक की पारियां खेलने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 16 शतक की पारी अब तक खेल चुके हैं। मौजूदा समय में यदि वर्ल्ड क्रिकेट में देखा जाए तो उसमें एक्टिव खिलाड़ियों में विराट कोहली के नाम पर इस समय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने का रिकॉर्ड है। कोहली के नाम जहां अब तक 75 शतक दर्ज है, तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के जो रूट हैं, जिनके नाम पर 45 शतक दर्ज है। ऑस्ट्रेलियन टीम के ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 45 शतक लगा चुके हैं, जबकि भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा के नाम पर इस समय 43 अंतर्राष्ट्रीय शतक की पारियां दर्ज है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।